अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। राजा साहब की करने लगे हो? फाइन, बायकॉट भाई जना, किसी की वजह से हमारी वजह से किसी की जान चली है, हम ये नहीं चाहते, ठीक है ना। और आप जितने भी भाई हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, सबको सबकी मेहरबानी, गुजारिश है भाई जान, एक गुजारिश है भाई बायकॉट करें। बायकॉट ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई जान अभी एक हमारा प्यारा भाई बेटा चला गया, किसी माँ का जवान बेटा जब चला जाए ना तो क्यामत गिर जाती है उस माँ पे, या उस माँ से पूछें जाके आप ये उस घर में क्यामत वाला मंजर क्या होगा। ईद हर पे है, रोजे स्टार्ट हुए हैं, और उसकी के पास की शादी भी थी यार, कल इस भाई के पास भी सामान पड़ा हुआ है। बायकॉट करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे बायकॉट करने की, काइंडली साहब भाई बायकॉट करें। अब आपको दिखाते हैं ये बायकॉट का सिस्टम कैसे करना है जी। ले जी भाई जान, अब हम जा रहे हैं जी बाहर। भाई जान रजा गया जी अंदर जरा लाइटर वगैरह लेने के लिए, और मामू भी आ रहे हैं बाहर, ठीक है, उनके बोले यही आया। देखें जरा यार, सबसे गुजारिश है कि भाई सबसे गुजारिश है सबसे, ठीक है। ये देखें जी, साड़ी आ रहे हैं भाई बायकॉट, ठीक है ना। ना साड़ी आ रहा है नानू, साड़ ले भाई जान। अब हम लगाएंगे इनको आग, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही दो पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमने सारे फाड़ फूड दिए थे, बाकी फाड़ दिए हमने, ठीक है, उसी वक्त ही फाड़ दिए थे हमने घर आके। डोरे भी ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे जैसे डोरे मिलेंगे वैसे ही हम, वो भी गई डोरे भी हमने जला देनी है सारी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जान इसका बायकॉट ही अच्छा है। ले जी भाई जान जा रहे हैं गुडे, ले जी भाई जान आग लगा दिया गुड्डों को, ये देखिए नाम देंगे कि किसे का नौजवान बेटा जो है ना। भाई जान बायकॉट ही करना अच्छा है, बायकॉट करना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए सामान भाई जिस भाई के पास पड़ा हुआ, जिस भाई के पास सामान पड़ा हुआ, भाई जान वो घर से निकाले, छत पहले आग लगा दे, फाड़ दे, फैन दे, किसी के पास सामान पड़ा हुआ है, अगर उसको किसी पैसों का इशू है मेरे से पैसे ले ले भाई, सामान दिला दे हमें, दे हम खुद अपने हाथ से दिलाएंगे उसको, पैसे दे देंगे उसको। और जो पतंगबाजी करता हमारे इलाके में हमें नजर आ गया, हम लोग भाई खुद पुलिस वालों को लेकर जाएंगे उनके घर, पंजाब पुलिस को खुद साथ लेके जाएंगे, हम लोग भाई खुद लेके जाएंगे, ठीक है, पुलिस वालों को हम खुद वन फाइव पे कॉल करेंगे, और हम खुद उनको साथ लेके जाएंगे कि आए हम आपको लेके जाते हैं, कहाँ से ये गुड्डा उड़ रहा है और कहाँ से ये पतंग उड़ी हुई है, हम लोग खुद लेके जाएंगे। अब मैं आपको इतना बता दूँ, क्योंकि भाई जान जो माशाल्लाह इतना प्यारा भाई था हमारा, जो फैसलाबाद से बिलोंग करते थे, ठीक है, क्या 15 रोजे गुजर गए, 15 रोजे रह गए, ईद के बाद भाई की शादी भी थी, ठीक है, छोटी सी गलती की वजह से पे। तो आज शायद न्यूज़ सुनी होगी, एक और लड़के को डोर फिरी है, वो सियालकोट में फिरी है, और उसकी यहाँ पे फिरी है, बचत होगी उसकी, अभी भी लोग बायकॉट नहीं कर रहे, लिहाजा सब भाई से रिक्वेस्ट है बायकॉट करें, हम सब मिलके बायकॉट करेंगे तो होगा। एक पतंगबाजी का और एक रमजान आता है, हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, रमजान आता है तो हर मुल्क में महंगाई नीचे आ जाती है, और हमारे मुल्क में फलों को ऐसे आग लगी हुई है, गरीब बंदा हमारे ऐसा बंदा ये चीज़ें नहीं खा सकता, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इधर भी थोड़ा सा ध्यान दें, मैं तो कहूँगा इनका भी बायकॉट करें, इनका 2-3 दिन फल खराब होगा तो फिर ही शायद नीचे ले आए, 100 रुपये किलो खरबूजा था पहले रोजे में, आज 300 रुपये भी चला गया, और राशन बांटने से कुछ नहीं होना, जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली उसको कंट्रोल करें आप। ले जी भाई जान सामान देखें, गुड्डे शुड्डे फारी कर दिए हमने, चला जरूर दिए हैं, ठीक है, बाकी ये है कि जिस हमें डोरे मिल जाएंगी, ठीक है, डोरे का भी ब्लॉग डालेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द डालेंगे, बहुत जल्द जैसे वो मिलेंगी हमें तो हमने वो भी चला देंगे, जिसके पास डोरे हैं वो फोन ही उठा रहा जाते उठाए, ठीक है, वो भी दिखाएंगे। ले जी भाई जान गया सामान घर से बाहर, जो पतंगबाजी करता हुआ देख लिया, पंजाब पुलिस की हेल्प करूँगा, इनको साथ ला के पंजाब पुलिस को गिरफ्तार करवाऊँगा, आपकी मेहरबानी है, किसी नौजवान लड़के की, किसी बेटे की, किसी भाई की जानलेवा हमला ना करें, मेहरबानी है। ले जी भाई जान सामान हो गया जी हमारा ख़त्म, हमने जला जरूर दिया सारा कुछ, ठीक है, बाकी ये देखें रदा लगा हुआ है। ले जी ये देखें जी, ये हो बेबो हो गई थी कल, फिर इसको थोड़ा सा बुखार हो गया था, ये मेरे कूटी पाई बच्चे को, इसको कल फिर बुखार हो गया था, और हम इसको सुबह सारी टाइम लेके गए हुए थे, इसका चेकअप करवा के लाए हैं। अरे जी पापा को अभी तंग आ रही है जी, लोही जाट साहब गुड्डे साड़ते ने असी सारे,
यार पता की है, देखो किसी का जवान औलाद एक किसी बेवकूफ इंसान की वजह तो जान चली गई है, तो असी उस बच्चे वास्ते कुछ नहीं यानी कि कर सकता, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके घरदियों जो भी है हमदर्दी देकर चला जाएगा, उन्होंने पूछो जिन्हें जवान औलाद चली गई है। तो बाकी जो लोग पतंगबाजी करते हैं, रिक्वेस्ट है कि वो लोग पतंगबाजी ना करन, अपने बच्चों को मना करन, तो उस बच्चे बच्चे की आखिरत वास्ते दुआ करन कि अल्लाह पाक उसका कहते सफर आसान फरमाए और उस इंसान को अल्लाह पाक निके की हिदायत दे। जड़े लोग पतंगबाजी करते हैं, कुड़ियों उड़ाते हैं, उन्होंने उन्होंने माँ बाप मना करन, रिक्वेस्ट है। ओके अल्लाह हाफिज़। ले जी भाई जान, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हो, तो तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई जान कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने प्यारों के साथ खुश दे खुशी खुशी रखे। बड़ा अच्छा महीना आया हुआ रमज़ान का, माशाल्लाह खूबसूरत महीना रमज़ान का, जहाँ पे आप हम सब एक साथ बैठ के ना सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद तो पता है कि किसी के पास इतनी टाइम नहीं होता, आते हैं कामों से थके होते हैं, कोई किधर बैठ के खाना खाता सो जाता है। ठीक है, अब वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।